हेलो गाइस, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम BCS सेकंड सेम जो आपका पेपर है प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी एंड डेटा स्ट्रक्चर, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। एंड अगेन एज अ डिस्क्लेमर मैं ये कह दूं कि आपको जो इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं सिर्फ वही नहीं पढ़ना है, पढ़ना आपको सब कुछ है, बट हाँ जो इम्पॉर्टेंट है उसको स्कीप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इस यूनिट में यदि हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्रोग्राम क्या होता है, कैसे बनाते हैं, C++ के प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर, ठीक है, अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट के कितने सिंबल्स होते हैं ये पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें तो C++ के फीचर्स भी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और यदि हम देखें तो आपको यहाँ पर C++ की जो बेसिक ऑफ C++ वाली यूनिट है, पोर्शन है ये वाला, ये ऑलमोस्ट ये पूरा ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में जब हम बात करें तो आपका फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, और इसी में यदि हम आगे बात करें तो आपका फंक्शन ओवरलोडिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहली यूनिट में, ठीक है। देन हम आ जाते हैं सेकेंड यूनिट पर, जहाँ पर हैं आपके पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो आपको एक बेसिक सा ये पता होना चाहिए कि एक क्लास क्या होती है, कैसे बनाते हैं एक प्रोग्राम क्लास को यूज़ करके, और इसमें जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये पता होने चाहिए। और यदि हम इसी यूनिट में और बात करें तो आपको फ्रेंड फंक्शन और वर्चुअल फंक्शंस ये पता होना चाहिए। देन कम्स कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर और उसके टाइप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद इनहेरिटेंस की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यदि थ्योरेटिकल भी बात करें तो भी आपको इनहेरिटेंस और उसके कितने टाइप्स हैं ये पता होना चाहिए, और इन सबके सिंटेक्स भी कि एक क्लास को दूसरी में कैसे इनहेरिट करते हैं या एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास को कैसे डिराइव करते हैं, ये आपको सिंटेक्स तो बिल्कुल पता ही होने चाहिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रोग्रामिंग नहीं कर पाता है ज़्यादा या याद नहीं रहता है, तो भी आपको सिंटेक्स याद रखना है, ठीक है। एंड वैसे अगर आप प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको आना चाहिए अच्छे से प्रोग्रामिंग, क्योंकि कंसेप्ट्स जो हैं उनको रटते नहीं, समझते हैं, समझोगे तो आ जाएगी। मीनवाइल आपसे ये भी कह दूँ, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना तो बनता है, क्योंकि आपको हर सेमेस्टर में इस चैनल से ज़रूर हेल्प मिलेगी, तो उसे अभी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो हम इसी वाली यूनिट में और अगर आगे चलें तो यहाँ पर आपको मैनिपुलेटर्स जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। मैनिपुलेटर्स कौन कौन से यूज़ किए हैं, सेट, डब्ल्यू, एंडल, और जो फ्लैग्स वाले हैं वो भी, जो भी आपने क्लास में पढ़े हों वो आपको यहाँ पता होने चाहिए। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ट्राई, कैच, ब्लॉक वाला, ये अगर इतना आपने कर लिया तो आपकी ये यूनिट कंप्लीट है। अगर आप इसके साथ ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कर लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने इतना कर लिया और ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाय चांस स्किप हो गया तो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करें तो थर्ड यूनिट, यहाँ से आपके पास आ गया है डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और रिकर्शन क्या होता है, ठीक है। देन स्टेक और क्यू बिल्कुल आनी चाहिए, स्टेक के ऑपरेशंस, इनके तो प्रोग्राम्स भी आपको आ जाने चाहिए आई थिंक। तो स्टेक के डेफिनेशन, इसके ऑपरेशंस, एप्लीकेशंस, और क्यू के भी जो टाइप्स है, सर्कुलर और आपकी डबल एंडेड क्यू, ये आपको आनी चाहिए। फिर यदि हम लिंक लिस्ट की बात करें तो इसमें भी एटलीस्ट आपको थ्योरी आनी चाहिए, लिंक लिस्ट क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या एडवांटेज हैं लिंक लिस्ट के, क्या डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। और इसी यूनिट में हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रीज भी है, और आपको बाइनरी सर्च ट्री है,
प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन, BST नहीं है, ओके। तो आपको बाइनरी ट्री और इसका जो ट्रेवर्सल है, ट्रेवर्सल बहुत इजी है। यदि आपको नहीं आता हो तो आप प्लेलिस्ट में एक बार चेक करना, जो BSC की प्लेलिस्ट है उसमें पूरा कंटेंट वही है जो BCA के भी काम का है। इसी में और आगे चलें तो आपका ग्राफ, कई बार ग्राफ ट्रेवर्सल भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। और फिर हम आ जाते हैं इसी तरह आखिरी यूनिट पे, जो है हैशिंग और सॉर्टिंग। और इसमें आपके पास में आ सकता है यदि आप सॉर्टिंग की जो अल्गोरिदम्स यहाँ पर दी हुई हैं, बबल, इंसर्शन, क्विक मर्ज और उनका कंपैरिजन, तो आपको ये अल्गोरिदम्स काम कैसे करती है एटलीस्ट इनकी थ्योरी पता होनी चाहिए। और ये जो बाइनरी सर्च ट्री मैं आपको ऊपर बोल रही थी, ट्री वाली यूनिट में नहीं है, आपको यहाँ पर है, तो बाइनरी सर्च ट्री भी आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि आप इसके लिए बाइनरी सर्च ट्री बनाओ, तो आपको बनाते आना चाहिए। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। एंड यदि नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और ज़रूर देखें उसको, 2 मिनट में आपको एक सीख जाएंगे। और उसके बाद में जो आपका इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम अपने इंडियन साइंटिस्ट के बारे में भी आज की जो जनरेशन है उसको बताना चाहते हैं। तो इट मे बी पॉसिबल कि इस पोर्शन से भी आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाए इंडियन साइंटिस्ट के बारे में, तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 इंडियन साइंटिस्ट प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो अगर आप इतना कर लेते हो देन यू कैन एक्सपेक्ट रिस्पेक्टेबल मार्क्स, जो आप किसी को भी पूछने पर बता पाएँ, आप इतना बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट विथ योर प्रिपरेशंस गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।